हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विष्णु एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में आइए हम ईमेल को देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है और उस क्वेश्चन से हम लिखते हैं ईमेल। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर विपुल, आप विपुल हैं, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड हर्ष। अपने फ्रेंड हर्ष को एक ईमेल लिखिए इनवाइटिंग हिम, उसको इनवाइट करते हुए एट ए बुक फेयर, एक पुस्तक मेले पर, विच विल बी ऑर्गेनाइज्ड नेक्स्ट वीक इन योर सिटी, जो अगले सप्ताह आपके शहर में आयोजित किया जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि लिखने वाले हैं विपुल, ईमेल लिखने वाले हैं विपुल, और किसको लिखने वाले हैं, हर्ष को लिखने वाले हैं। क्या हमारा टॉपिक है कि हम अपने फ्रेंड हर्ष को, यानी विपुल अपने फ्रेंड हर्ष को इनवाइट करेंगे इस ईमेल में एक बुक फेयर पर, जो उनके सिटी में नेक्स्ट वीक लगने जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मेट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से फॉर्मेट होता है ईमेल का। तो ईमेल को हमेशा ही बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, तो बॉक्स आप बना लीजिए। नीचे से बॉक्स को आपको क्लोज स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा वर्ड लिमिट के बारे में। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ईमेल, तब लास्ट में उसको बंद करते हैं। बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं और वो बॉक्स से फिर बाहर लिखना पड़ जाता है उन्हें, तो इससे एग्जाम में हमारा बैड इंप्रेशन जाता है। तो नीचे से बिल्कुल खुला रखिएगा स्टार्टिंग में, जब आपका कंप्लीट हो जाए तभी बंद करिएगा। तो देखिए, ईमेल सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर ईमेल। ईमेल का मतलब भी मैंने आपको बताया था, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जो मेल हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजते हैं वो हमारा ईमेल कहलाता है। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं फ्रॉम, फिर लिखा जाता है टू, फिर लिखा जाता है डेट, फिर लिखा जाता है टाइम, डे भी आ सकता है, लेकिन ये तो लिखना ही लिखना है। तो यहां पर फ्रॉम यानी किस से जा रहा है ये ईमेल, किस से जा रहा है। फ्रॉम का मतलब होता है से, और टू का मतलब होता है को, यानी किस से जा रहा है और किसको जा रहा है। तो उनका एड्रेस यहां पर लिखना है, एड्रेस आपको ईमेल एड्रेस देना होता है। तो यहां पर देखिए, फ्रॉम यानी विपुल भेजने वाले हैं, तो विपुल के नाम की कोई भी ईमेल एड्रेस यहां पर हम लिख देते हैं। तो जैसे हमने कहा यहां पर विपुल 275@gmail.com, ये हमने यहां पर ईमेल एड्रेस लिख दिया है विपुल का। और लिखेंगे किसको, इसको लिख रहे हैं हर्ष को लिख रहे हैं, तो यहां पर हर्ष के नाम की ईमेल आईडी यहां पर बना दीजिए, hars125@yahoo.com। तो ये विपुल का ईमेल आईडी हो गया, जिसको भेज रहे हैं हर्ष का ईमेल आईडी हो गया। डेट सपोज कीजिए, डेट है 11 अप्रैल 2021, टाइम सपोज कीजिए 9 AM। तो ये हमने फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद लाइन छोड़ करके हम एपोस्ट्रोफी देते हैं। देखिए, ये इनफॉर्मल ईमेल है हमारा, हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं। तो जब भी हम अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को लिखते हैं तो वो हमारा इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है। तो इनफॉर्मल में एपोस्ट्रोफी दिया जाता है डियर, तो यहाँ पर हमें लिखना है डियर फ्रेंड, क्योंकि हमारा फ्रेंड है, डियर फ्रेंड हर्ष, कॉमा लगाएंगे, फिर से लाइन ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉप करने के लिए मैं डैश ये लगा रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर लाइन छोड़ना है। डियर फ्रेंड हर्ष, I was trying your phone, but it was out of service. I was trying your phone number, but it was out of service. मैं आपका फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन यह सर्विस के बाहर था। सो आई एम राइटिंग
सो आई एम राइटिंग यू दिस ईमेल, इसलिए मैं आपको यह ईमेल लिख रहा हूं। I am very happy. I am very happy to inform you that there will be a book fair. That there will be a book fair next week in my city. तो यहां पर हमने लिख दिया कि आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करते हुए, आपको सूचित करते हुए बड़ा खुश हूं दैट कि देयर विल बी अ बुक फेयर नेक्स्ट वीक इन माय सिटी, कि मेरे शहर में नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह एक पुस्तक मेला लगेगा। many publishers will participate, बहुत से प्रकाशक पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे इन दिस बुक फेयर, इस पुस्तक मेले में बहुत से प्रकाशक हिस्सा लेंगे। I know well that मैं अच्छे से जानता हूं कि यू आर अ बुक लविंग स्टूडेंट, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप एक पुस्तक प्रेमी विद्यार्थी हो। सो इट इज अ गोल्डन चांस, सो इट इज अ गोल्डन चांस फॉर यू टू फाइंड सम रेयर बुक्स, इसलिए यह कुछ गैर मामूली पुस्तकों को प्राप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है तुम्हारे लिए। सो आई इनवाइट यू एट दिस बुक फेयर, इसलिए मैं आपको इस पुस्तक मेले पर इनवाइट करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। आई थिंक मैं समझता हूं या मैं सोचता हूं यू विल अटेंड दिस फेयर, आप इस फेयर को अटेंड करोगे। आई एम एंक्शियसली वेटिंग फॉर यू, आई एम एंक्शियसली वेटिंग फॉर यू, मैं बेताबी से या बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं। नीचे स्पेस कम है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो आपको यहां पर नीचे ही लिखना है, इधर स्पेस कम है बोर्ड पर तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। फिर नेक्स्ट लाइन बना करके लिखना है, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कृपया अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेरा नमस्कार कहना। फिर लाइन ड्रॉप करेंगे, लाइन छोड़ेंगे और फिर यहां पर लिखेंगे योर फ्रेंड, आपका मित्र, फिर से लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखने वाले का नाम, हमें पता है क्या नाम है, विपुल है, यहां पर लिख दीजिए विपुल, और ये आपका ईमेल इस तरह से
फिनिश हो जाता है। तो वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना है आपको, जितने भी एग्जाम में वर्ड लिमिट दी जाती है तो उसके आपको बाहर नहीं जाना है, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट्स। तो विशेष ध्यान देंगे वर्ड लिमिट का। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ईमेल लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है और किस तरह से आपको लैंग्वेज बनानी होती है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।